क्या करेंगे बोलकर। नमस्कार, आप सभी का न्यूज पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और वो काफ़ी बार दरियादिली दिखाते भी नज़र आए हैं। कभी स्लम के बच्चों के साथ मस्ती करना, कभी उनके साथ खाना, कभी उनके साथ तबला बजाना, ऐसे कई रूप हमने तेज प्रताप यादव के देखे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि तेज प्रताप यादव काफ़ी शौकीन व्यक्ति भी हैं। उन्हें मिठाई खाना काफ़ी पसंद है। कल बस बोरिंग रोड वो मिठाई खाने पहुंचते हैं और वहां पर एक बच्ची से उनकी मुलाकात हो जाती है, जिस बच्ची का नाम होता है मेघा। वो बैठी होती है, पेन बेच रही होती है, तो तेज प्रताप यादव की नज़र उस पर पड़ती है। थोड़ी बातचीत होती है और बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि बच्चे के पास पढ़ने के लिए मोबाइल फ़ोन नहीं है। बच्ची बोलती है कि मेरे पापा ऑटो चलाते हैं लेकिन हम ट्यूशन जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। इस बात पर और भी बातचीत होती है। तेज प्रताप यादव गेम के बारे में बातचीत करते हैं और गेम के बारे में बातचीत कर फिर उन्हें पता चलता है कि इसके पास फ़ोन नहीं है। बस क्या, फिर तेज प्रताप यादव उसे लेकर एक मोबाइल स्टोर में ले जाते हैं और वहाँ 50,000 रुपये की कीमत वाली आईफोन गिफ्ट कर देते हैं। बच्ची काफ़ी खुश होती है और इस वीडियो को खूब सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जाता है। आप ये वीडियो खुद भी देख सकते हैं। क्या करेगी फोन का, इसमें फोन ये वाला फोन दे दीजिए, समझ ले। पढ़ेगी ना, हाँ पढ़ेगी ना, अभी पेन नहीं बेचेगी, स्कूल जाएगी, स्कूल जाना है ना, स्कूल जाना है, इस पे पढ़ाई करना है, इस पे होता है क्लास, ऑनलाइन होता है ना, सीख लेगी, जान लेगी, सब करा था। अब इधर मत देखिए, दिखाई दे तो मोबाइल छीना जाएगा। हाँ नहीं बेचना, बढ़िया फोन है, आईफोन है, समझ रहे घर कहाँ है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ मेघा। पापा का नाम क्या है? मत करो। पास। अच्छा कहाँ रहती हो? पुनाई से। पढ़ती है? हाँ। क्या कौन क्लास पढ़ती है? अभी क्लास में ट्यूशन में है। ट्यूशन में है। ट्यूशन पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं। और तुम काहे पेन बेच रही थी? अच्छा लो अपना पेन का पैसा लो, अब पेन भी दे दीजिए इसको कि इसे पढ़ना, पेन भी पढ़ना है। इसको तुमको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, समझी? ये पेन ना अब लो, बेचने में इसमें डाल लो, दोनों दोनों को डाल। अच्छा ये कौन फोन तुमको दिया है, नाम पता है इनका? कैसे मतलब इनका नाम पता है, जो भैया फोन अभी दिए हैं इनका नाम तुमको पता है? इनका नाम तेज प्रताप यादव है। क्या नाम है? लालू जी के बेटे हैं। हाँ घर पे जाके बोलना, ठीक है? ठीक है लो, लिख देते हैं उस पर। पढ़ना तो है, ठीक है, नंबर दे दो, नंबर
हम अपना नंबर दे रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, ठीक ना, बता दो इसको, समझा दो, ठीक है ना, पढ़ना, इसमें नंबर दे दीजिए, घर में कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है, फोन करके, ठीक, पेन आज के बाद मत बेचना, तुम इस पेन से पढ़ना, पढ़ाई करना है घर पे, चलो ठीक। तो देखा किस प्रकार से एक आईफोन गिफ्ट किया गया है एक बच्ची को। हालांकि कई लोग इस वीडियो पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, जिसमें सबका कहना है कि आईफोन 50,000 रुपए का है, इससे अच्छा होता कि आप उसे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते और या फिर अपने उसके घर वालों का खाना पीने का बीड़ा उठा लेते, वो बेहतर होता कि उसको फ्री में आप कहीं स्कूल में एडमिट करवा देते। 50,000 रुपए एक साल में आराम से किसी नॉर्मल स्कूल में हो जाएगा, एक साल की तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। उसके कंपैरिजन में आपने उसे आईफोन गिफ्ट किया है, आईफोन कैसे चलाना है ये सारी जानकारी आपने दे तो दिया, लेकिन क्या उसे समझ आया, क्या एक छोटी सी बच्ची आईफोन चलाएगी और उसके बाद उसके मन पर क्या असर पड़ेगा। उसके जगह ऐसा नहीं हो सकता था कि आप उसे किसी स्कूल में एडमिट करवा देते। ये तमाम प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं, हालांकि कई लोग सराहना भी कर रहे हैं कि दिल से तेज प्रताप यादव अच्छे हैं, तेज प्रताप यादव ये बेहतरीन उनकी जो है ये कार्य है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या उस बच्ची को आईफोन गिफ्ट करना चाहिए था या किसी स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए था। हम इसका कोई विरोध नहीं करते हैं, ना ही साथ देते हैं, तेज प्रताप यादव ने जो भी किया अच्छा किया है, लेकिन और अच्छा होता अगर किसी स्कूल में उसका एडमिशन करवा देती। तो फिलहाल इसकी चर्चा काफी तेज से हो रही है, हर ओर इनकी चर्चा देखने को मिल रही है। और भी वीडियोज के लिए आप लगातार न्यूज पीआर के साथ बने रहे, पल पल के अपडेट्स सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं।